SUPH to our presentation on chapter number 8, how many seconds in a minute, and this is part 2 of our presentation. So children, in our previous presentation we read the poem how many seconds in a minute, and in this presentation we are going to know the meaning of each and every line. Is presentation mein hum har ek line ka matlab seekhenge. So let's start. How many seconds in a minute? HOW how, MANY many, SECONDS seconds, INN a minute, MINUTE minute. How many seconds in a minute? इसका मतलब है एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं. How many का मतलब होता है कितना. So how many seconds in a minute का मतलब है एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं. 60 and no more in it. NO no का मतलब नहीं. MORE more मतलब ज़्यादा. In it. तो 60 seconds are there in 1 minute. 1 minute में 60 seconds होते हैं. And no more in it मतलब इससे ज़्यादा नहीं, 60 से ज़्यादा नहीं होते. Right? So 1 minute, one MINUTE minute is equal to 60 seconds. SECONDS seconds. Right? So 1 minute is equal to 60 seconds. Now let's read on. How many minutes in an hour? How many minutes in an hour? इसका मतलब है एक घंटे में कितने minutes होते हैं. Right? 60 for sun and shower. 60 for sun and shower. इसका मतलब है 1 hour is equal to 60 minutes. MINUTES minutes. तो how many minutes in an hour? इसका मतलब है एक घंटे में कितने minutes होते हैं. 60 मतलब 1 hour में 60 minutes होते हैं. For sun and shower. Fine. SUN sun, SHOWER shower. How many hours in a day? एक दिन में कितने घंटे होते हैं. 24 for work and play. तो वन डे, डी ए वाई डे इज इक्वल टू 24 hours, HOURS आर्स. सो एक दिन में कितने घंटे होते हैं. 24 फॉर वर्क, WOR के वर्क, वर्क का मतलब होता है काम. PLAY प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना. तो एक दिन में 24 hours होते हैं खेलने के लिए और काम करने के लिए. फाइन. Now, how many days in a week? Week मतलब हफ्ता. तो how many days in a week मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं. 7, both to hear and speak. So, 1 week, WEEK week is equal to 7 days, DAYS days. So, how many days in a week? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं. 7. Both, BOTH both. दो चीज़ों के लिए हम both यूज़ करते हैं. टू हेयर, HEAR हेयर का मतलब होता है सुनना. SPEAK स्पीक का मतलब होता है बोलना. सो हाउ मैनी डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं. 7, both टू हेयर एंड स्पीक. हाउ मैनी वीक्स इन अ मंथ, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं. 4, एज द स्विफ्ट मून रनथ. So 1 month, MONTH month is equal to 4 weeks, WEEKS weeks. तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं. How many weeks in a month? एक महीने में कितने weeks होते हैं. 4 होते हैं for swift, SWIFT swift. Swift का मतलब क्या होता है. स्विफ्ट का मतलब होता है क्विकली, जल्दी से. रनिथ, RUNNETH रनिथ. रनिथ का मतलब होता है रन. लेकिन रनिथ हम कब यूज़ किया करते थे, ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया करते थे. राइट? तो रनिथ ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है रन करना, भागना. नाउ हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं. 12, द एल्मेनेक मेक्स क्लियर. ALMANACK, almanac
एक कैलेंडर होता है जिसमें फेस्टिवल्स और जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं वो लिखी होती हैं। एल्मनैक एक कैलेंडर है जिसमें जितने भी त्यौहार या फिर जो भी ज़रूरी डेट्स होती हैं वो लिखी होती हैं। मेक्स MAKES मेक्स, मेक्स का मतलब होता है बनाना। CLEAR क्लियर, क्लियर का मतलब होता है साफ। सो हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। द एल्मनैक मेक्स क्लियर, 12 होते हैं। एल्मनैक मेक्स इट क्लियर मतलब एल्मनैक में साफ लिखा है। सो वन ईयर YEAR ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स MONTHS मंथ्स। नाउ हाउ मैनी ईयर्स इन एन एज, वन एज में, एक एज में कितने ईयर्स होते हैं? सो हाउ मैनी ईयर्स एन इन एन एज, एज में कितने साल होते हैं? राइट, सो 100 सेज द सेज, SAGE सेज, सेज का मतलब होता है एक वाइज पर्सन, जो ज्ञानी होता है, उसे सब कुछ पता होता है, वो होते हैं सेज। सो हाउ मैनी ईयर्स इन एन एज, एज में कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स होते हैं। कौन बोलता है? सेज मतलब बोलना, SAYS सेज, सेज SAGE सेज, सेज का मतलब होता है वाइज पर्सन, जो ज्ञानी होते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है। फाइन, हाउ मैनी एजेस इन टाइम, टाइम में कितने एजेस होते हैं? नो वन नोज द राइम, नो वन NONE, नो वन का मतलब होता है किसी को भी नहीं पता, नो वन KNOWS नोस मतलब पता होना, द राइम तो किसी को भी राइम नहीं पता, तो टाइम में कितने एजेस होते हैं वो किसी को भी नहीं पता। फाइन, नाउ इन दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर 1 o'clock की जगह एक सन है, क्लाउड है एंड इट इज़ रेनिंग, राइट। 2 है, 3 o'clock में एक बॉय है जो पढ़ रहा है, 4 o'clock में एक मून है, हैंड है जिसमें 5 फिंगर्स हमें दिखा रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन में 2 ईयर्स हैं, 2 आईज हैं एंड टीथ इज देयर, टंग है, राइट। देन 8, देन 9, 10, 11, 12 ये आप स्टेयर्स में चढ़ सकते हो, इट्स लाइक दैट। 9 पे एक स्टेयर चढ़ी, 10 पे पहुंच गए, 10 से एक स्टेयर चढ़ी, तो 11 पे, 11 से एक स्टेयर चढ़ा आपने तो 12 पे पहुंच गए, राइट। एंड इन द मिडल यहाँ पे कौन बैठा है? सेज बैठा है, जो वाइस पर्सन, जिन्हें सब कुछ पता है, ही इज़ अ वाइस पर्सन, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा है उनके बियर्ड में? 100। नाउ इनके जो हैंड है ये कैसे वर्क कर रहे हैं? जो आर हैंड और सेकेंड हैंड होती है ना क्लॉक में, वैसे, राइट। सो चिल्ड्रन, इन दिस प्रेजेंटेशन वी हैव लर्न द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, राइट। सो नाउ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू।